कहाँ चली गई थी तुम? पता है कितना डर गया था मैं। वो कपड़े धोने गई थी, गंदे हो गए थे। शिवन्या, तुमने धागा क्यों निकाला? तुम इस धागे की अहमियत जानती हो ना, फिर भी तुमने यह धागा निकाला क्यों बोलो? ऋतिक, मैंने नहीं निकाला। हाँ, वो घर की सफाई कर रही थी तो शायद गलती से टूटकर गिर गया होगा। एक काम करो, ये धागा तुम फिर बांध दो, पर इस बार गांठ इतनी पक्की बांधना कि कोई ना तोड़ सके। क्या कर रही हो? इन कपड़ों में से किसी और की बू आ रही है। मतलब गीली मिट्टी की बदबू आ रही है, इसलिए उतार रही हूं। क्या हुआ? चूक गया। आओ। ये मुझे लगता है ये घास का बिस्तर है ना, मेरी डेढ़ हड्डी भी तहस नहस कर देगा। अब पति पत्नी बनके यहाँ रहना ही है तो सोने का इंतजाम तो करना ही होगा ना। उसके बाद कर लेंगे, क्या ख्याल है? ऋतिक को तो मैं कभी भी पा सकती हूँ, पहले मुझे नागमणि पानी होगी। क्या सोच रही हो? नागमणि के बारे में। नागमणि के बारे में? हाँ ऋतिक, मुझे लगता है कि नागमणि हवेली में भी शेषनाग के पास सुरक्षित नहीं है। एक बार पहले भी यामिनी उस नागमणि को वहां से चुरा के ले जा चुकी है। हमें नागमणि रखने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी, कोई ऐसी जगह जहां वो नागमणि किसी को ना मिले। हाँ, बात तो सही है। तो चलो अभी के अभी हवेली चलते हैं। चलो।
हाय हाय मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है? मैं यहाँ आ गई हूँ तुम्हारी सांस, तुम्हारा दर्द कम करने के लिए। मेरी प्यारी बहू, नहीं नहीं नहीं, बेटी बेटी माना है ना मैंने तुझे? अंगूठी का तुम्हारे बदन पर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अब तुम नागिन नहीं इंसान बन गई हो। फिर भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। सही कहा तुमने, मैं तेरी बराबरी नहीं कर सकती। जो औरत अपने बेटे को मार सकती है, अपने पति को मरवा सकती है, अपनी भाभी को मार सकती है, मैं उसकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ? बिल्कुल सही कहा तूने, मैं तो किसी को भी मार सकती हूँ, पर तुम अपने पति को मरते हुए नहीं देख सकती। नहीं देख सकती ना? तो जाओ, जाकर कह दो ऋतिक से कि वो नागमणि उठाकर मुझे दे दे। वो मणि शिवजी की धरोहर है, मैं अपनी मरते दम तक उसकी रक्षा करूंगी। ऋतिक से कभी ऐसा नहीं कहूंगी मैं। मार डालूंगी। तुम मार डाल मुझे, मरने से नहीं डरती मैं। तुझे नहीं। ऋतिक, मेरा मतलब है युवराज को मार दूंगी, और इस वक्त तुम्हारी जान शेषा के साथ है। वो दोनों नागमणि लेने गए हैं, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि शेषा तुम्हारी जान के साथ क्या कर सकती है। अगर शेषा वहां नागमणि लेने गई है तो मुझे ऋतिक को भी बचाना होगा और नागमणि को भी। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हाय मैं मर जावा मेरी प्याली छी बहू। अब ज्यादा टाइम पास मत कर, निकल यहां से। मेरी मंजिल मेरी आंखों के सामने है। क्या सोच रहे हो ऋतिक? जल्दी से नागमणि उठाकर दो ना मुझे, हम इसे कहीं छिपा देंगे। जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा। नागमणि उसे मत देना। इस बुढ़िया ने मेरा पूरा खेल खराब कर दिया। शिवन्या? हाँ ऋतिक, मैं तुम्हारी शिवन्या हूं। उसकी बात मत सुनो ऋतिक, ये इन लोगों की चाल है। शेषा को शिवन्या बनाकर ले आए हैं ताकि ये मणि लेकर जा सके। लाओ, जल्दी से मणि मुझे दो। शिवन्या मैं हूं। नहीं ऋतिक, नागमणि उसे मत देना। ऋतिक उसे नागमणि मत देना। ए, गला मत फाड़, नहीं तो फट जाएगा। ऋतिक मैं शिवन्या हूं, लाओ नागमणि जल्दी मुझे दो। नहीं ऋतिक नहीं, उसे नागमणि मत देना। Thank you.
तुम शिवन्या नहीं हो। शिवन्या अब नागिन नहीं है, तुम नागिन हो। नागिन तू थोड़ी देर और बहुत नहीं टपक सकती थी। इन दोनों बुड्ढियों ने मेरा खेल चौपट कर दिया। एक काली नागिन, खेल तो तू खेल रही थी, तुझे क्या लगा तू नागमणि लेके भाग जाएगी? मैंने कहा था ना गुरुमा, ये काली नागिन बहुत शातिर है, हमें धोखा दे देगी। चल बेटा, वो नागमणि मुझे दे दे, दे दे, नहीं तो मैं अपनी बहू, मेरा मतलब है तेरी बीवी को खत्म कर दूंगी। चल वो नागमणि मुझे दे दे। मेरी जान जाए तो जाए, पर इन लोगों को नागमणि मत देना। हमें ऐसे दुश्मनों से बचाना है ऋतिक, नागमणि इन लोगों को मत देना। अच्छा आजा आजा, दे देना नागमणि। अब तो तेरी ये बीवी कुछ नहीं कर पाएगी, अब तो हवा में लटक लटक कर ये भी नहीं बोल पाएगी कि नागिन हूं मैं। पति नहीं मानेगा। मैं ये गोली चलाती हूं तब जाकर उसका दिमाग चलने लगेगा। नहीं, गोली मत चलाना। नहीं रहते, मर जाने दो मुझे। मेरी जान जाए तो जाए, पर नागमणि किसी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए। बाबा, ये नागमणि उसी के हाथों में जाएगी जिसकी अमानत है। बाबा नागमणि, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था पंचनेर की राजकुमारी। आज तो मेरे भाई के रूप में भी आ गई, किसी का भी रूप ले लेती है तुम। वो नागमणि मुझे दे दे। मैं तुम्हारा भाई ही हूँ बहना, नागिन नहीं। ये नागमणि आपकी है गुरु मां, आपके हवाले करता हूं। आप ठीक?
हुकुम दो, क्या चाहती हो मुझसे? नागमणि चाहिए, जा ला दे मुझे अजनेर के राजा, जा। अब ये वही करेगा जो मैं कहूंगी। लगता है गुरु माँ ने बाबा पर वशीकरण किया है। वाह गुरु माँ वाह, आप तो मेरी भी गुरु निकली। चलिए चलिए वो नागमणि मुझे दे दीजिए। क्यों दूं? ये सिर्फ मेरी है, किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी मैं। मेरी है गुरु घंटाल माँ, इतना बड़ा मुंह मत खोल। तेरे मुंह के अंदर मैं नहीं डालूंगी, लेकिन मैं तेरी खोपड़ी में ये गोली डाल दूंगी। मेरे पास बंदूक है, लेकिन मेरे पास है नागमणि, जिसे तुम लोगों में से कोई भी छू नहीं सकता, क्योंकि संग्राम सिंह ने ये मुझे खुद दिया है। गुरुमा गुरुमा, हम लोग कितने पुराने दोस्त है ना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मोटी दिल की खोटी, जैसे तू इन नागिनों पर विश्वास नहीं करती ना, मैं भी तुझ में विश्वास नहीं करती हूँ। चल हट। गुरुमा, अरे गुरुमा, गुरुमा रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ, गुरुमा के रास्ते में कोई नहीं जा सकता। बाबा होश में आओ, क्या हो गया आपको? मैं नागमणि लेकर आ। नहीं, तू नहीं जाएगा। मैंने कहा तू नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा और मैं जरूर जाऊंगा। तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता, छोड़ मुझे। बाबा! 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 नागमणि मिल गई मुझे, नागमणि मिल गई मुझे। कोई नहीं आ पाएगा बाहर। नागमणि मेरी है, मेरी है। काली नागिन, तू वहां से बाहर नहीं आ पाएगी। नागमणि, एक बार तू मेरे हाथ आ गई ना, तेरी हड्डियों का हलवा बना दूंगी मैं, गुरु घंटाल माँ। बेटा जा, नागमणि बचा। बाबा आज मैं इस यामिनी को नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं। शिवन तुम मत जाना, तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं है, वो लोग तुम्हें मार देंगे। मैं जाकर नागमणि को बचा कर लेकर आता हूँ। जा युवराज, जल्दी जा। अरे बिंदी माँ की नागिन, अंदर तो इतना चिल्ला रही थी, यहाँ शेख चिली बनकर खड़ी है। अरे वो देख, वो भाग गई है। ए बुढ़िया देख, तेरे गुरु घंटाल माँ की करनी देख, कैसे जाऊँ मैं। जा जा भाग, भाग ना। ये गुरु माँ को नहीं छोड़ूंगी मैं, हमेशा हमारे बीच में आ जाती है। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है। हर बार उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है, घी को गरम कर ले। और उस गरम घी में इस बुढ़िया को तलूंगी मैं। Thank you.
गुरुमा कहीं नहीं जा सकते, वो जरूर अपने गुफा की तरफ ही गई होगी। अब सुन, अपनी किंचुली मत निकाल, उस गुरु घंटाल माँ को डस दूंगी आज मैं। तेरे पास दिमाग है कि नहीं है? नागमणि उसके पास है, पहले वो नागमणि उससे लेंगे, फिर तेरे को जो करना है तू कर। चल इस यामिनी से तो बाद में निपट लूंगा, गुरुमा जंगल की तरफ गई है, नागमणि पहले बचानी है। ये उनके आने का संदेश तो नहीं? मुझे लगा था नागमणि को मेरे परिवार से ही खतरा है, उससे भी बड़ा खतरा आ रहा है हमारे सामने, उससे भी बड़े दुश्मन है नागमणि के। महिष्मति, ये मधुमक्खियां तो मर गई, पर क्या वो महिष्मति भी मर गए? आपको कोटि कोटि प्रणाम शिव जी, आपने मुझे बचाया, अब मैं आपकी इस धरोहर को दुश्मनों से बचाऊंगा। ये गुरुमा अपनी गुफा में नहीं है, जाहिर सी बात है कि वो यही कहीं जंगल में छुपी होगी। काली नागिन, जाओ जाकर ढूंढो उसे। वो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो तुम? ये देख बुढ़िया। वैसे अच्छा ही हुआ, ये हमारे साथ खेल खेल रही थी, लेकिन देखो काली नागिन, मौत क्या खेल खेल कर गई इसके साथ। ये तो पहले से आधी मरी हुई थी, अब नागमणि के लालच में पूरी मर गई है, लेकिन बहुत भयानक मौत है ये। ए काली नागिन, नागमणि इसी के पास है, जरा ढूंढ तो सही कहाँ है। वही तो कर रही हूं। नहीं है। ओ, इसके पास नहीं है तो यही कहीं फेंकी होगी, जरा जल्दी से ढूंढ। ये नागमणि कहाँ जा सकती है, कौन ले जा सकता है ये नागमणि? ऋतिक और शिवन्या। शिवन्या और कौन ले जा सकता है? नहीं, ये तो वही हमें बता सकते हैं, ये नागमणि वही ले जा सकते हैं जिन्होंने गुरु माँ को इतनी भयानक मौत दी है। कौन? वही जो दीवार के उस पार रहते हैं, वही लोग जिन्हें माहिष्मति कहते हैं। माहिष्मति? हाँ,
माहिष्मती। अगर नागमणि वो दोनों लेकर चले गए हैं तो अब हमें ये सोचना होगा कि वो नागमणि हम वापस कैसे लेंगे। बाबा बाबा आपको कुछ नहीं होगा, बाबा आपको कुछ नहीं होगा, आपको इन्हें बचाना होगा डॉक्टर। डॉक्टर कुछ भी कीजिए लेकिन प्लीज मेरे बाबा को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, अजीब सी मधुमक्खियों ने एक वार्ड बॉय को काट लिया है और मुझे लगता नहीं कि वो बच भी पाएगा। बाबा चिंता मत कीजिए, नागमणि मेरे पास सुरक्षित है। तुम ना मचाओ और नागमणि को शिव मंदिर में समर्पित कर दो। वो महिष्मती की मधुमक्खी यहां तक पहुंच गई, तुम ना मचाओ। जानता हूं बाबा, उन मधुमक्खियों ने गुरु मां को भी मार दिया और मुझ पर भी वार किया था। तो जाओ नागमणि शिव मंदिर में। तुम नागमणि को लेकर शिव मंदिर जाओ, मैं यही रुकती हूँ बाबा के पास। तुम दोनों जल्दी जाओ। बाबा आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। नर्स प्लीज। शिवन्या, आज इस नागमणि के होते हुए भी मैं अपने बाबा के लिए कुछ नहीं कर पाया उन मधुमक्खियों की वजह से। चिंता मत करो रिद्धि, बाबा का इलाज सही वक्त पर शुरू हो गया है। हमें बस जल्द से जल्द शिव मंदिर पहुंचकर ये नागमणि शिव जी को समर्पित करनी है। बाबा ने सही कहा था, इस नागमणि के लिए महिष्मती की वो मधुमक्खियां यहां तक आ गई। चलो यहां से। मधुमक्खी आ गई, भागो भागो भागो। आज हम आपकी धरोहर आपके चरणों में आपके शरणों में समर्पित करते हैं शिव जी।
आज हमने शिव जी की मणि शिवलिंग को समर्पित कर दी। आज हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। जय भोलेनाथ। ये धुन का कोहरा पेचे माँ माँ आज हमारे इष्टदेव को उनकी मणि मिल गई। आज मेरी और तुम्हारे बाबा की आत्मा को शांति मिल गई। जो फर्ज हम नहीं निभा पाए वो तुमने निभाया है बेटी। शिव की मणि को शिव तक पहुंचाया। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो आपको और बाबा को नाकाम किया है। अब मैं नागिन नहीं हूं, सिर्फ एक इंसान हूं। नागमणि, नागमणि वापस ऋतिक लेकर आया है। बात नागिन या इंसान की नहीं, बात मान और ईमान की है। तुमने जो कसम खाई वो निभाई। मुझे इस बात का गम नहीं कि अब तुम नागिन नहीं हो। इस बात की खुशी है वो साथी मिला जो तुम्हारे लिए बना है, जिसके नाम से तुम्हारा सिंदूर सजा है। तुम दोनों का दिल एक है, मंजिल एक है, मकसद एक है, नागमणि की रक्षा। मेरी यही दुआ है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताओ और इस जिंदगी में दोनों जहान की खुशियां पाओ। और हाँ बेटी, अभी तुम दोनों को सतर्क रहना है। अमावस की बड़ी काली रात आ रही है, वो महिष्मती आ रहे हैं। उस रात तक अगर शिव की मणि इस मंदिर में सुरक्षित रह गई तो 25 साल तक उसको कोई नहीं छू पाएगा। अमावस की बड़ी काली रात तक उन काले सायों से इस मणि को सुरक्षित रखना है तुम दोनों को बेटी। अमावस की बड़ी रात। माँ, माँ, क्या हुआ शिवन्या, तुम रो क्यों रही हो? नागमणि अपने निर्धारित स्थान पर समर्पित हो गई। मेरी माँ बाबा की आत्मा को शांति मिल गई, उन्हें मुक्ति मिल गई। वो यहाँ आए थे मुझसे मिलने। मेरी माँ, मैं अपने माँ से मिली रहते सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या हुआ शिवण्य, तुम्हारे चेहरे पे डर कैसा? तुम्हारे लिए शेषा यामिनी और उन महिष्मतियों से तुम्हारी जान को खतरा है। माँ कह रही थी कि अमावस की बड़ी रात आने वाली है और तब तक हमें नागमणि की रक्षा करनी होगी। अमृता दीदी को इतने रात को? हाँ दी बोलिए। ऋतिक तू प्लीज यहाँ आ जा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत जरूरत है मुझे तेरी, प्लीज यहाँ आ जा जल्दी। दी आप चिंता मत करो, मैं अभी आया। ऋतिक, कहाँ जा रहे हो? उस घर में जहाँ यामिनी रहती है? हाँ, क्योंकि वहाँ मेरे भाई बहन भी रहते हैं और उन्हें इस वक्त मेरी जरूरत है। मुझे जाना होगा शिवन। ऋतिक, मैं तुम्हारी फिक्र तुम्हारा प्यार समझती हूँ, पर तुम भी तो मेरी बात को समझो। उस घर में यामिनी रहती है, वो पहले भी तुम्हें मारने की कोशिश कर चुकी है। सब कुछ जानते हुए तुम्हें मौत के मुंह में कैसे जाने दूं मैं? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं शिवण्य, तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं है। तुम वहां मत आओ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। डरो मत शिवण्य, मेरी चिंता मत करो, अपने शिवजी पे भरोसा रखो। What?
मुझे कर उससे शादी नहीं करनी, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। मैंने माँ को कितना समझाया लेकिन माँ अभी भी अपनी इज्जत पर अड़ी हुई है। लेकिन दीदी, करण की फैमिली अच्छी है, वो आपकी लाइफस्टाइल भी जानती है, आप पे कभी कोई बंदिश नहीं लगाएंगे। मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सरप्राइज, मेरी अमृता दीदी को किसी से प्यार हो गया है। अरे पहले क्यों नहीं बता दिया, मैं तो डर ही गया था। डोंट वरी, आपकी शादी उसी से होगी जिससे आप प्यार करती हो। अच्छा जल्दी बताओ, कौन है वो लकी बॉय? तुम उसे जानते हो? मैं जानता हूँ। ओके सो लेट मी गेस, विवान? राज? नो। तो अबीर? थोड़ा और पास। अच्छा समीर? एक लेटर चेंज कर दो बस। मैं आपके इतने ही फ्रेंड्स जानता हूँ मेरी माँ, अब आप ही बता दो कौन है वो, कौन बनने वाले मेरे जीजू? कबीर। कबीर? हाँ कबीर, मैं उससे प्यार करती हूँ। कबीर? वो कबीर जिसकी तन्वी से सगाई हुई थी? हाँ भाई, मैं उसे पसंद करती हूँ। तन्वी की सगाई के बाद मैंने बैकआउट कर लिया, तन्वी की डेथ के बाद वो अचानक से चला गया। मुझे लगा वो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा, पर यू नो व्हाट, उसने मुझे खुद कॉल किया और मुझसे कहा कि वो भी मुझसे प्यार करता था, पर मुझे कह नहीं पाया था। लेकिन अब मुझसे शादी करना चाहता है और ये बात उसने अपने घर वालों को भी कह दी। जितनी जल्दी मुझे है ना, उससे भी ज्यादा जल्दी उसे है मुझसे सगाई करने की। और पता है भाई, मैंने जब उसको कहा ना, रिलैक्स, अगर तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो तुम्हारी शादी उसे से होगी, माँ को मैं मनाऊंगा। वैसे भी कबीर अच्छा लड़का है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे पता था ये काम तू ही कर सकता है। लेकिन माँ मान जाएगी ना? हाँ मान जाएगी, अब ये सब बंद करना पड़ेगा। वाह ऋतिक वाह, ये जानते हुए भी कि तेरी जानी दुश्मन इस घर में है, तू वापस चला है? अपनों को मिलने के लिए हिम्मत आई जाती है, लेकिन आप क्या जानो अपनों के बारे में? मैं यहाँ अपने भाई बहनों से मिलने आया हूँ। जानता हूँ कि आप मेरी जानी दुश्मन हो, लेकिन मेरे भाई बहन तो नहीं जानते ना आपका ये रूप। सोचो अगर उनको पता चल गया तो कितनी नफरत करेंगे आपसे। प्यार के बिना तो फिर भी जी लेते हैं लोग, लेकिन नफरत के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है, खास करके तब जब एक माँ का भयानक चेहरा सामने आ जाता है। जानता हूँ आप मुझसे नफरत करती हो, पर फिर भी मैं आपसे नफरत नहीं करता। आपने मुझे मारने की कोशिश की, किसके लिए? पैसों के लिए? अरे एक बार मुझसे मांग कर तो देखती माँ, मैं अपना सब कुछ आपको दे देता। खैर मैं ये सब बातें करने नहीं आया हूं, एक इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं, और जिसकी बात करने आया हूं वो जितनी मुझे प्यारी है उतनी आपको भी प्यारी है। किसकी बात कर रहा है तू? अमृता दीदी की शादी की। वो मेरी बेटी है, मैंने पहले से उसका रिश्ता करण के साथ। लेकिन वो करण से शादी नहीं करना चाहती। ओह, तो ये शादी नहीं हो सकती? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला तू लेगा? तू नहीं, अमृता दीदी की जिंदगी है और उनकी जिंदगी का फैसला वो खुद लेंगी। वो करण से नहीं, कबीर से शादी करना चाहती है। कबीर से? पर वो तो तन्वी से। लेकिन वो अब अमृता दीदी से प्यार करता है और अमृता दीदी उससे। कल मैंने कबीर के पेरेंट्स को बुलाया है, पर आप यहाँ कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी बेटी की शादी अपनी सगी बहन की तरह करूंगा। दी जिससे शादी करना चाहती है उसी से करेंगे, और उस शादी में मैं और शिवन्या साथ आएंगे, और हमेशा की तरह मैं शिवन्या का साथ दूंगा।
उसे अपना इंतकाम लेने से नहीं रोकूंगा। उसकी बदले की राह में मैं नहीं आऊंगा। मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं आप पे कभी वार नहीं करूंगा। मैं आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन आपसे नफरत भी नहीं करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नागमणि दे दूंगा। मैंने बाबा से वादा किया है कि बड़ी अमावस की रात नागमणि वही जाएगी जहां उसे जाना चाहिए। यामिनी, आजा माँ के अवतार में, बेटे के प्यार में नागमणि का जिक्र चल रहा है, तो नागमणि देने वाले की पूजा कर ही ले आज। मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। नागमणि के लालच में मैं अंधी हो गई थी। उस मणि को हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, यहां तक कि मैंने तुम्हें भी मारना चाहा। लेकिन इसके बावजूद भी मरे हुए रिश्तों को तुम जिंदा रखना चाहते हो। मेरी बेटी के लिए तुम कितना कुछ करना चाहते हो। बस करो मां, आपने मेरा दिल नहीं विश्वास तोड़ा है, आपने तोड़ा है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या तुम अपनी मां को माफ नहीं करोगे बेटा? देख प्रतीक, for more updates log on to colorstv.in.com, like us on facebook.com/colorstv, follow us on twitter.com/colorstv, for more updates log on to colorstv.in.com, like us on facebook.com/colorstv, follow us on twitter.com/colorstv, for more updates log on to colorstv.in.com, like us on facebook.com/colorstv, follow us on twitter.com/colorstv.